हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट लोगों, हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन माइनस वन से वन एक्स क्यूब मॉड एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के टू मॉड एक्स प्लस वन डी एक्स। स्टूडेंट लोगों, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है फिर, और इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमने बताया था ठीक है, सबसे पहले तो वो इसकी लिमिट देखना ठीक है। अगर तुम्हारी लिमिट अगर माइनस ए से अगर ए टाइप की है, तो हमने बताया था इस फलन को क्या करना है, सम विषम चेक करना होता है सबसे पहले। तो देखो ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इसको सम विषम चेक नहीं करेंगे ठीक है। देखो थोड़ा इसको हम ब्रेक करके चेक करते हैं। देखो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन माइनस वन से वन एक्स क्यू मॉड एक्स प्लस वन अपॉन में, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर लिखा ठीक है, देखो तो एक्स स्क्वायर की जगह ऐसे लिख सकते हैं, देखो मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर लिखेंगे टू मॉड एक्स और प्लस के वन और डी एक्स। अब आ जाओ स्टूडेंट, देखो ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस वन से वन और एक्स क्यू प्लस, ठीक है, ये जगह देखो मॉड एक्स प्लस वन और डी एक्स अपॉन में, देखो ठीक है, नीचे देखो ये होल स्क्वायर लिखा, देखो चेक कर लो ठीक है। यहाँ पे देखो वन का स्क्वायर लिख दे, ए स्क्वायर टू ए बी और ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख देंगे ठीक है। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, देखो ठीक है, डिवाइड करो माइनस वन से वन एक्स क्यू अपॉन में आएगा, देखो मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा, देखो मॉड एक्स प्लस वन अपॉन में मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है, और डी एक्स। देखो ठीक, हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया ठीक है। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ठीक है, माइनस वन से वन एक्स क्यू अपॉन में लिखेंगे, देखो मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स ठीक है, मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है, और डी एक्स। फिर आ जाओ देखो ठीक है, माइनस वन से वन और ये जगह हमारे पास मॉड एक्स प्लस वन अपॉन में आ जाएगा मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है, और डी एक्स ये आ जाएगा, देखो ठीक है। अब आ जाओ स्टूडेंट, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो एक तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो ठीक है, माइनस वन से वन और ये आ जाएगा एक्स क्यू डी एक्स अपॉन में आ जाएगा, देखो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है, प्लस ये आ जाएगा, देखो माइनस वन से वन और ये आ जाएगा वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। अब आ जाओ स्टूडेंट, देखो ठीक है, अब देखो हम अलग अलग चेक करते हैं, देखो ठीक है, सबसे पहले इस वाले फलन को देखो चेक करते हैं, ये समय विषम है, ऐसे देखो इस वाले को भी चेक करेंगे ठीक है, सम फलन है कि विषम फलन है, यहाँ पे आके हम चेक करेंगे इसको, देखो ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो मान लेते ठीक है, माना एफ एक्स बराबर देखो लिखेंगे एक्स क्यू अपॉन में मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है। अब देखो इस फलन को हमें चेक करना है कि ये सम है कि विषम है ठीक है, और सम विषम चेक करने के लिए हमने बताया था ठीक है, कि एक्स के स्थान पर क्या रखना है, माइनस एक्स रख देते, देखो एफ माइनस एक्स बराबर जाएगा माइनस एक्स का क्यू ठीक है, माइनस एक्स का होल क्यू और अपॉन में आएगा, तो वो यहाँ पे ठीक है माइनस के मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब देखो इसको कंप्लीट कर लेते, देखो ठीक है, तो आगे आ जाएगा, तो वो एफ माइनस एक्स बराबर आ जाएगा, तो वो यहाँ पे तो वो यहाँ से माइनस बार आ जाएगा ठीक है, तो यहाँ से माइनस बार आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो वो ठीक है माइनस एक्स क्यू अपॉन में लिखेंगे, माइनस एक्स क्यू अपॉन में लिखेंगे, तो वो मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ से तो माइनस बार आ जाएगा, और यहाँ पे देखो मॉड लगा ठीक है, तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, मॉड है ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तक आ गया ठीक है। अब देखो एफ माइनस एक्स बराबर देखो ठीक है, तो इसके देखो यहाँ पे इतने पार्ट को ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ एक्स लिख सकते हैं, देखो चेक करो, देखो यहाँ पे ठीक है, इसको हम एफ एक्स लिख सकते हैं, देखो ये जाएगा हमारे पास माइनस के एफ एक्स आ जाएगा, क्या कह देखो यहाँ पे माइनस का एफ एक्स। अब देखो यहां से हमने पता कर लिया ठीक है, कि अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः एफ एक्स एक विषम फलन है, कैसा है देखो एफ एक्स एक विषम फलन है, देखो ठीक है एफ एक्स एक विषम फलन है ठीक है। अब आ जाओ देखो इसको, देखो चेक कर लेते हैं, देखो ठीक है, ये वाला देखो एक पार्ट अभी छूटा है ठीक है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे माना जी एक्स बराबर ठीक है, देखो जी एक्स बराबर वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन ठीक है, चेक करो ये सम है कि विषम ठीक है, तो एक्स के स्थान पर रख देंगे माइनस एक्स, तो ये जाएगा हमारे पास जी माइनस एक्स, देखो जी माइनस एक्स आ जाएगा, देखो वन अपॉन मॉड में आएगा, देखो माइनस एक्स प्लस वन ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास
जी माइनस एक्स बराबर हो जाएगा वन अपॉन टी। अब देखो यहाँ पे मॉड में माइनस है, तो ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे मॉड एक्स प्लस वन आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे जी माइनस एक्स बराबर हो जाएगा वन। इसको देखो हम लिख सकते हैं, देखो ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम जी एक्स लिख सकते हैं, देखो ठीक है हमने जी एक्स माना था, क्या लिख सकते हैं देखो जी एक्स। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन खत्म हो गया ठीक है, अतः लिख देंगे यहाँ पे जी एक्स एक समफलन है, जी एक्स एक जी एक्स एक समफलन ठीक है। अब आ जाओ देखो ठीक है यहाँ पे प्रोगोट लगा देते देखो ठीक है, प्रोगोट देखो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखो प्रोगोट लगाएंगे यहाँ पे ठीक है, इंटीग्रेशन देखो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है देखो ठीक है यहाँ पे टू टाइम्स जीरो से ए, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स ठीक है। यदि कंडीशन होती है कि एफ माइनस एक्स बराबर क्या जाए एफ एक्स आ जाए ठीक है, और जीरो कब होगा देखो यदि अगर f माइनस एक्स बराबर क्या जाए एफ एक्स आ जाए, देख लो ठीक है। तो देखो जो हमारा एफ एक्स है देखो ठीक है इस वाले देखो ठीक है एफ एक्स में देखो हमारी कंडीशन आई थी ये वाली ठीक है, वो ये वाली कि f माइनस एक्स बराबर क्या गया तो माइनस एफ एक्स आ गया था ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पे सॉरी माइनस होगा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाओ ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा ठीक है। तो इसमें सेकंड वाली कंडीशन आई थी, सेकंड वाली कंडीशन में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, और जी एक्स वाले में देखो यहाँ पे दांस देखो ठीक है जो जी एक्स था ये वाला ठीक है, ये जो वाला हमने माना था, तो जी एक्स वाले में देखो जी माइनस एक्स बराबर जी एक्स माइनस खत्म हो गया, तो इसमें पहली वाली कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पे देखो दोनों में प्रगुण लगा देते देखो ठीक है, तो ये वाला देखो तो जीरो हो जाएगा प्रगुण से, और ये डबल हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी जीरो से वन, लिख देते हैं यहाँ पे ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो प्लस टी टू टाइम्स ये हो जाएगा जीरो से वन, और डी एक्स अपॉन में आ जाएगा मॉड एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब आ जाओ देखो ठीक है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो टू टाइम्स ठीक है जीरो से देखो वन, जीरो से वन ठीक है। अब देखो मॉड कैसे हटाएंगे देखो ठीक है, हमने सबसे पहले देखो यहाँ पे लिमिट देखा ठीक है, लिमिट हमारी है जीरो से वन, जो लिमिट होती है ये एक्स की वैल्यू होती है ठीक है। अब देखो हमारी जो लिमिट है जीरो से वन है ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी प्लस की है देखो, तो यहाँ पे देखो हमारा एक्स कैसा है देखो पॉजिटिव है देखो यहाँ पे ठीक है, मतलब जीरो से वन में कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमारा मॉड कैसा आएगा प्लस का आएगा, अगर मॉड प्लस का आता है तो इसको प्लस से ब्रेक करना है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स आ जाएगा। अब आ जाओ देखो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है देखो, देखो वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन ठीक है ये होता है लॉग, लॉग में आ जाएगा लॉग मॉड में लिखेंगे एक्स प्लस वन ठीक है, लिमिट लगा देते हैं जीरो से वन। अब लिमिट उतार लो ठीक है, पहले लिखेंगे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ये जाएगा जीरो प्लस वन आ जाएगा ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं देखो ठीक है, तो टू टाइम्स ये जाएगा लॉग टू ठीक है, ये जाएगा लॉग वन, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टू इंटू ठीक है लॉग टू हो जाएगा, और लॉग वन जीरो होता है ठीक है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आंसर आ जाएगा टू लॉग टू आ जाएगा आंसर हमारे पास, ये इसका फाइनल आंसर आ गया देखो, देख लो स्टूडेंट ठीक है, इस तरह से करना था यहाँ पे